आज है मेरा 21 डेज़ के हार्ट चैलेंज में 11वां दिन। तो अब तक तो बिल्कुल सही जा रहा है सब कुछ। टेरिस पे पहुंच गए थे तो आज एक्सरसाइज की थी मैंने, 50 लगाए थे सूर्य नमस्कार, फिर बर्पी थे, फिर ये और एक्सरसाइजें चली थी। हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी। मैं संतोष गहलोत स्वागत करती हूँ आपके अपने SG व्लॉग्स एंड टेरिस गार्डनिंग के एक और नए व्लॉग्स में। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, अभी यहाँ योगा कर रहे थे ना, अनुलोम विलोम कपाल बातें कर रहे थे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इन फुल्ला मत। पर आज सारे नहीं खेले हैं, कुछ कल खेलेंगे। इधर से दूसरी क्या रही, इतनी अच्छी आ रही है अपनी तरफ ना, बहुत यहाँ से हटने को मन ही नहीं करता। कई देर हो गई मेरे को यहाँ काम करते हुए, फिर भी आ रही है। राम राम। फिर से एक बार तो छत पे से आते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, किचन में घुसते ही ना ऐसा होता है ना, इतना काम तो वही एकदम इतना हो जाता है। यूँ सोच रहे हो ना, दो बाथरूम यहाँ रह रहे हैं तो दोनों को नवरात्रों से पहले कर इनको धो दूँ, क्यों नवरात्र में नहीं होएगा ये चीज़ें ना। फिर धोने की सोच रही थी पर आज इतना टाइम लग गया। जैसे रई लगाई थी, मक्खन होया था तो मक्खन गर्म करने के लिए रखा, कुछ अपना खाने का है वो यूज़ करा। असल में रई साफ करने में, लस्सी छानने में, इन्हीं चीज़ों में, बर्तन धोने में ही इतना टाइम लग जाता है। फिर आटा बेया, फिर कड़ी बनाऊंगी, बेसन का घोल बनाया, प्याज लहसुन वो छील कर रखे, थोड़ी पालक काट के लाई थी, पालक दो बना रखी, काट तो बाद में लूँगी। तो एक बाथरूम को अब सोचती हूँ आधा हो जाए, आधा फिर 9 बजे के बाद हो जाए, फिर बीच में खाना भी बनाना होता है, टिफिन पैक करना होता है, उस हिसाब से देखती हूँ। पर करूँगी ज़रूर, अब लगती हूँ ज़रूर, क्यों 2 दिन में मैंने निपटा देना है, फिर नवरात्रे हैं संडे से। एक बार तो करे पीछे बाथरूम ऐसा चमक जावा है, कर ही दिया मैं 10 मिनट के लिए, क्या चोटूंगी तो सारा ऊपर से झाड़ा पूछी। वैसे तो होता ही रहता है पर ये था मिट्टी झड़ने वाला, मिट्टी झड़ गई मेन बात वो है, ऊपर से जो चढ़ के ना गोड़ी लगा के मिट्टी झड़ते हैं और ऊपर से टाइलें साफ हो गई। फिर लगी थी मैं कढ़ी बनाने, साथ के साथ पालक काट रही थी, क्यों पालक ले आई थी छत पे से काट के, पहले बस धो के ही रख दी थी। मैंने सोचा था चौक लगाऊंगी जब साथ के साथ ही काट लूंगी, बस इसको थोड़ी देर पकने के लिए अब ढक कर रख दिया। राम राम। टाइम हो गया 11 बज के 5 मिनट रह रही है, आप रूट लेके आई हूँ, क्यों 11 बजे ही लग जाती हूँ ना, ले लेती हूँ। तो ललिता लग रही है काम करने, अंदर का करके गई है तो बाहर लग रही है पोछा लगाने, पता नहीं कौन उसकी ट्रेन खड़ी होगी, कोई 20 मिनट होगी। बातों में इतनी मशगूल हो जाती है बातों में ना, फिर बाथरूम साफ करते करते मसल चढ़ गई यहाँ से, कंधा भी नहीं है यहाँ से चढ़ी हुई है, कंधा भी नहीं, जैसे हाथ ऊपर की तरफ करती हूँ हिलाती हूँ ना, यहाँ मूवमेंट होते हुए थोड़ा हाई यूँ करते हुए जब दर्द होता है अपने आप ही ठीक होएगी। पर यूँ कुछ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ठाणा तक घूम ना हाथ करके ना एकदम चटक दे ही बोलती है दर्द हो पर कोई नहीं होगी, मेरे एक बाथरूम हो रहा है उसने कल निपटा दूँगी, फिर तो कब बॉर्डर हो रही है, छोटे मोटे वो तो चलते ही रहेंगे, अपना थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने निपटा ही दिया अपना। बाहर का रहेगा, बाहर का फिर दिवाली तक हफ्ता पहले करूँगी ना, वो तो दोबारा गंदा हो जाना है दिवाली तक। तो अब मैं कर लूँ अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच बना के ले आई हूँ, इनको दिया है दादी पोतों को, इनकी तो रोटी बनाई है मैंने अपने लिए, मिलेट्स बनाए थे तो कढ़ी बनाई हुई थी, पालक डाल गए ना और अपने आधी प्लेट सैलेड की, तो दिखाऊंगी वो भी किस तरह थोड़े मिलेट होते हैं आधी प्लेट सैलेड की। मिलेट तो थोड़े ही होते हैं, मैं पहले भी बता रही थी, थोड़े से ही पेट भरा भरा रहता है। तो कल से जैसे नवरात्रे हैं तो कल मैं मामा उस वाले दिन मैं अपना मंदिर को कर दूँगी साफ। आज कोहरे के तो मसल चढ़ी हुई यहाँ से ना हाथ को, यूँ कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, कुछ यूँ खींच भी नहीं सकते, इसका पता नहीं एकदम यूँ साफ करते हुए क्या झटका लग गया, तो इसलिए आज मैंने कुछ कराया ही नहीं, फिर ना कोई कपोर्ड की सफाई नहीं कुछ नहीं। तो वैसे ही कभी सब्जी वाला आ गया और काम होते रहे, असल में छोटे मोटे ना, तो मिलेट्स में दिखा देती हूँ, नीचे बैठ के मैं खाती हूँ, तो डाइनिंग टेबल पर बैठ के मैं खा नहीं सकती, मेरे को मज़ा ही नहीं आता डाइनिंग टेबल पर ना, यहाँ से मेरा दुखने लग जाता, बैठ तो जाती हूँ मैं कई बार पर यहाँ से मेरा दुखने लग जाता, जो मज़ा मेरे को नीचे बैठ के आता है मेरे को नहीं आता डाइनिंग टेबल पर, इसलिए मैं हमेशा नीचे ही बैठ के खाती हूँ, ऊपर कम ही बैठा करूँ, बहुत ही कम, रेयर ही कोई आ रहा हो या कुछ, अपना खा लेती हूँ क्यों फिर मेरी कढ़ी ठंडी हो जाएगी, ठंडी में मज़ा नहीं आया करता। ये है मेरी आधी प्लेट तो सैलेड की, अंदर ही काट रखे हैं थोड़ा सा मिलेट्स और कढ़ी, कढ़ी मेरी फेवरेट है इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ले आ गूँ। तो प्लेट मैंने दिखा दी, अब मैं खा लेती हूँ। फिर मैं लगी थी अपने गीता पढ़ने, क्यों मेरे पास टाइम था तो लंच करने के बाद टाइम होता है तो मैं सोचती हूँ इसी में पढ़ लेती हूँ, क्यों चैलेंज में तो फिर मेरा ये होता है कि मैंने अपने सारे चैलेंज पूरे करने होते हैं। वेलकम बैक। बर्तन साफ कर दिए थे खाना और खड़ी बैठी थी तो अपनी गीता भी पढ़ ली, तो अपनी गारंटी रखने आई हूँ, गारंटी रखी है, पानी गर्म होने लग रहा है, ये दिखने भी लग रहा है, इसी में थोड़ी देर पानी गर्म होने देर अपनी डाल दूंगी, फिर अपना पी लूँगी 10 मिनट बाद,
तो ना इतना मेरा घंटे का टाइम हो तो उस टाइम में गीता पढ़ लेती हूँ। अपनी क्यों पढ़नी तो होती है 10 पेज जो अपना टास्क है जो चला हुआ है हार्ड चैलेंज का। आज मेरा 11वां दिन है तो मेरा तो सही जा रहा है। मैं ये ऐसे ही नहीं, ना मैं कोई हवा में तीर छोड़ रही हूँ, कुछ नहीं छोड़ रही हूँ। जैसे कई अपनी फोटो कुछ लगा देते हैं फिर साइड में दूसरी लगा देते हैं एडिट करते हैं ना, तो वो चीज़ तो मैं करूँगी नहीं। जो एक्चुअल में ओरिजिनल नेचुरल होगा वही चीज़ मैं बताऊँगी। हाँ भाई घटता है, मेरा घटा हुआ है, पर बताऊँगी मैं। टोटली बताने का फायदा है ना, 21 डेज के बाद कितना घटता है। 21 दिन में मान ले कुछ घट जाता है तो उसमें तो मेरे को तो इससे बढ़िया कुछ लगता नहीं। जैसे कहीं के कमेंट होते हैं कि हम पानी नहीं इतना पी सकते, 3 लीटर 4 लीटर तो 4 लीटर पानी है हम नहीं पी सकते, तो पीने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका हो जाता है फिर हो जाता है अपना बोतल, तो अपना पीते रहो, उसमें भूख ही फील नहीं होती, तो पीने में तो मेरे को तो नहीं लगता पानी पीने में क्यों प्रॉब्लम है। तो पानी पीते हैं हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती, और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो पेशाब के थ्रू बार बार निकलते रहते हैं। मैं एक सिंपल और सही बात बताती हूँ, क्यों मैं इससे पहले पानी नहीं पीती थी तो मेरा यूरिन बहुत ही पीला आता था और इतना गाढ़ा, बिल्कुल पीला, किसी भी टाइम कर लो। क्यों इतना नहीं, मैं पीती थी मैं दिन में वो 5 गिलास पी लिए, 6 गिलास पी लिए, तो इस तरह का मेरा चलता था, इस तरह पानी नहीं। अब मेरा पेशाब 11 दिन में बिल्कुल सफ़ेद आ रही हूँ, भी नहीं पता लगता पानी है या पेशाब है। पहला ये तो ये मेरे को फायदा हुआ। दूसरा हुआ है मेरा, अब तक मैं 10 दिन में सिर में दर्द हो लेता था तो वो नहीं मेरे को हुआ है अब तक। ऊँचे आज ही हो जाओ ये नहीं मैं कह सकती कि अब तक ये हुआ नहीं है। क्यों, हमारी बॉडी में ना सूखापन हार नहीं है, बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलते रहते हैं, तो फायदा तो है ही पानी पीने का। और फिर जैसे खाना खाने से पहले पीते हैं तो वेट लॉस होता है, फिर क्यों खाना कम खाया जाए, हमारा पेट पानी से भर जाता है तो फिर हम कम खाते हैं, तो इसलिए। और स्किन भी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, वो ड्राई ही नहीं रहती। क्यों, मैं अक्टूबर से मैं इस मौसम में तेल लगाने लग जाती थी, नारियल ऑयल अपनी स्किन पर, क्यों इतना ड्राई ही हो जाती थी फेस मेरा बिल्कुल ही। और कुछ तो मैं यूज़ नहीं करा करती, पर हाँ नारियल तेल जरूर लगाती थी। पर अब तक अब की बार मेरे को जरूरत नहीं पड़ी है, जिसमें 11 ही दिन हुए हैं। वही तो कह रही हूँ मैं, हवा में तेल नहीं फेंक रही, जो चीज़ मेरे को फील हो रही है वही मैं बता रही हूँ। तो शुरू में तो मेरे को भी था मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कभी टूट जाए, क्यों वैसे टूट जाता है तो कोई फिर ब्लॉगिंग डालते हैं तो फिर वो टूटता है तो थोड़ा यूँ लगता है ना। और ये क्यों कहते हैं कि बॉडी में पेन होता है ये हार्ड चैलेंज करने से, नहीं कोई पेन नहीं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे यार, अभी इस टाइम पर एक्सरसाइज करने लग जाओगे जब तो बॉडी दुखेगी ही, फिर तो पेन होएगा, तो किसी के भी हो सकता है, और वैसे कोई पेन नहीं है मेरे को, मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। और पानी के तो इतने तो फायदे मैंने ही बता दिए, और मेरे 11 ही दिन में मेरे को जो चीज़ मेरे को फील हुई है वो मैंने बता दी। अब पानी का तो 4-5 दिन बाद ही असर दिखना स्टार्ट हो जाता है, और सबसे पहले होता है सिर दर्द वाला, क्यों मेरे को एक सिर दर्द वाला भी था। कई बार कह देते थे ना पानी नहीं पीती इसलिए सिर में दर्द हुआ है, तो ये चीज़ मेरे को भी, जैसे एक आध बार तो ऐसा हो जाता था, दिन में को 3-3 4-4 टैबलेट मैं ले लेती हूँ, 2 भी लेती हूँ 3 भी ले लेती हूँ, तो इस तरह हो जाता, फिर वो होता अपने आप ही है। मन की दया से 11 दिन हो गए मेरे को, तब तक मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ। खुद उस चीज़ को ना ट्राई करें ना, मैं तो कोशिश करा करूँ खुद करूँ फिर मेरे को पता लगे, तो तब उस बारे में बोलती हूँ, मैं वैसे नहीं बोलती मेरा यूँ हो गया। कमेंट का जवाब मैं जब देती हूँ, जब कई एक तरह के कई कमेंट हो जाते हैं उस पीछे जवाब देती हूँ मैं, इसके हो गए थे कई कमेंट पानी पीछे, तो पानी पीछे इसलिए फिर मैं आज मैंने जवाब देना ज़रूरी समझा। कई दिन से सोच रहे थे लहसुन लगाने की, फिर हमने सोचा एक बार इन में लगाते हैं, टमाटर है जिस तरह, बैंगन है, शिमला मिर्च में, एक तो बीमारी कम आएंगी लहसुन के कारण, और फिर इनमें जगह भी बची हुई। मेरा श्याम का खाना दाना हा बढ़ गया है, क्यों माँ के बीमारी का बुखार चढ़ा है, तो उसके कारण थोड़ा दलिया बनाया था, कुछ तो मीठा दलिया बना दिया, कुछ दूध में ओट्स बना रखे हैं, तो ये भी बेटा भी फिराते खाता है तो। और मेरा अब तक का श्याम तक का हो गया, क्योंकि अभी काम नहीं होगा, मैं शहर करने अब जाऊँगी। अब छत पे से अपना आई थी लहसुन वगैरह बोगा आई थी, तो कचरी सुखा रखी थी मेरी, सूख गया अभी न डाल गए, और जब जाऊँगी मैं तो पानी वाला मेरा टास्क हो गया। पानी वाला तो मेरा इस टाइम तक हो जाता है, क्यों आदत सी होगी ना, बल्कि शाम ने तो अब सैर करके आऊँगी तो ज़्यादा ही होएगा, एक्स्ट्रा हो जाता है पानी तो मेरा। पिया भी जा रहा है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक राम राम।